नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे, परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, संक्रांति हर महीने आती है, सूर्य संक्रांति, और इस बार जो सूर्य संक्रांति है ये पड़ रही है 17 तारीख को, 17 अक्टूबर 2020 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। किसी भी ग्रह के लिए उसकी नीच राशि बहुत अच्छे परिणाम देने वाली नहीं होती है और इसका प्रभाव सभी राशियों पर व्यापक स्तर पर पड़ता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि यहाँ सिर्फ एक गोचर की बात हो रही है, एक ग्रह के गोचर की बात हो रही है, और सभी का गोचर मायने रखता है। अगर एक ग्रह का गोचर आपके लिए ख़राब है तो हो सकता है दूसरे ग्रह का गोचर बढ़िया हो, और दशा अंतरदशा का भी काफ़ी भारी रोल इसमें होता है। इसलिए इसे एक पक्षीय ही समझें, संपूर्ण रूप से किसी निर्णय पर ना पहुँचें इसको लेकर, और ना ही विचलित और परेशान हुए। सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन है इसका क्या प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा ये मैं आपको बताने ही जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी व्याख्या कर दूँ सूर्यदेव की। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं। सूर्यदेव ग्रहीय मंत्रिमंडल के राजा हैं और बहुत ही पावरफुल हैं। सूर्यदेव जिस राशि में कमज़ोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो कुंडली कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से परेशानी वाली जरूर बन जाती है, इसलिए उपाय करने जरूरी होते हैं। इन्हें कश्यप गोत्र में उत्पन्न माना गया है। इनका जो आकार है वो गोल है और प्रकृति क्रूर मानी गई है। इसके अलावा सूर्यदेव सिंह राशि पर अपना आधिपत्य रखते हैं, स्वग्रही माने जाते हैं सिंह राशि में। मेष राशि जो कि मंगल की राशि है इसमें ये उच्च के, और शुक्र की राशि तुला में ये नीच के होते हैं। सूर्यदेव जब शुभ स्थिति में होते हैं तो इंसान को सत्ता, मान सम्मान और जीवन के सारे ऐश्वर्य और सुख देते हैं। वही सूर्य यदि कुंडली में पीड़ित हो तो इंसान को धूर्त और मक्कार और झूठ बोलने वाला भी बना देते हैं। व्यक्ति बहुत ही घमंडी और अहंकारी हो जाता है, क्योंकि सूर्य जब अच्छी स्थिति में होता है तो व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी और आत्मरक्षा के लिए तत्पर होता है, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर होता है। लेकिन वही सूर्य यदि पीड़ित हो तो व्यक्ति अपनी अपनी हाँकने वाला, अपनी बड़ाई सुनने का इच्छुक, चापलूस इस तरह का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी और हट्टी भी बहुत होता है और किसी की नहीं सुनता है। तो कुल मिला के सूर्यदेव का शुभ स्थिति में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ हम विस्तार से अब इस विषय को आगे अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत बड़ा विषय है और इस एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है। तो आने वाले वीडियो में हम आपको इसमें विस्तार से जानकारी देंगे। आज हम सिर्फ गोचर पर ही प्रकाश डालते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि सूर्यदेव का ये जो गोचर प्रवेश है, जो कि 17 अक्टूबर 2020 को प्रातःकाल हो रहा है, जिसे हम सूर्य संक्रांति बोलते हैं, और ये हर महीने आती है सूर्य संक्रांति, लेकिन कुछ संक्रांति विशेष महत्व की होती है और उस पर भी मैं फिर कभी चर्चा करूंगी। तो आज मैं आपको बताती हूं कि मेष से लेकर और जो मीन राशि है उस पर ये क्या प्रभाव डालने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं उमाश्री, हमेशा आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि अच्छी है तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, आपका लाइक मेरे लिए मायने रखता है। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्यदेव का जो तुला राशि में पदार्पण है, शुक्र जो कि उनके परम शत्रु हैं उनकी राशि में पदार्पण हो रहा है और नीच राशि में अवस्थित होने के कारण क्या क्या अच्छी बातें और क्या क्या थोड़ी सी खराब बातें प्रत्येक राशि वाले की ज़िंदगी में हो सकती है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि में जो सूर्य का जो गोचर हो रहा है सप्तम भाव से हो रहा है, और सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, स्पाउस का होता है, और उसमें नीच में होने पर थोड़ी बहुत गहमा गहमी तो हो सकती है, लेकिन समझदारी और सूझबूझ से इसकी रक्षा की जा सकती है, बचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो उधेड़बुन चलेगी ज़िंदगी में और थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है। तो संभल कर चलकर इस परेशानी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं सूर्यदेव के कुछ उपाय भी बताऊँगी जिनसे आपको लाभ होने वाला है। वृषभ राशि के लिए सूर्यदेव थोड़े से शत्रु पक्ष से नरमी की उम्मीद की जा सकती है। शत्रु पक्ष जो अब तक तनाव से परेशान किए हुए थे उनमें थोड़ी सी कमी आएगी और माहौल आपके पक्ष का बनने लगेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों को प्रेम प्रसंगों में थोड़ी अड़चने और परेशानी आ सकती है। तो संभल कर सारे काम करें। शिक्षा में भी थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के घर में शॉपिंग होगी, खर्चा होगा, पैसे का व्यय अपव्यय दोनों हो सकता है। तो संभल कर खर्चा करके चलें और घर में कोई ना कोई लग्जरियस आइटम आ सकता है। लेकिन थोड़ी सी उधेड़बुन और मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपनी अकलमंदी से उसको टाल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के तो स्वामी ही है और नीच राशि में है तो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत दे सकते हैं। जो बीपी वाले हैं उनका बीपी फ्लक्चुएट करेगा, लो हाई किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो संभल कर अपने खान पान पर भी ध्यान दीजिए और संभल कर कोई भी काम आप करिए। इसके अलावा कहीं फ्रैक्चर होना या फिसलने जैसी स्थिति भी हो सकती है, कहीं दुर्घटना भी हो सकती है, तो थोड़ा सावधानीपूर्वक काम करें। मान अपमान में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कहीं अपमानित होने का भी भय दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कन्या। कन्या वालों को वाणी में संयम रखना पड़ेगा, अचानक से धन हानि का योग बनता है, लेकिन ये क्षणिक है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सफलता फिर आगे मिल सकती है। तो विचलित ना हो, गोचर का जो ग्रह का प्रभाव होता है थोड़े थोड़े समय के लिए रहता है और फिर वो परिवर्तित होता रहता है, तो ये धूप छांव जैसा ही इसको समझिएगा और विचलित मत होइएगा। तुला, कहीं किसी स्त्री प्रसंग के कारण अपमानित होना पड़ सकता है, तो सोच समझ कर कोई भी काम करें। किसी के प्रति भी अपना अति प्यार प्रदर्शित ना करें, ये बदनामी की बहुत बड़ी वजह बन सकता है। प्रेम और आकर्षण और दूसरे के प्रति एक जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन बढ़ेगा इस अवधि में, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। शरीर में गर्मी की शिकायत भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा व्यय से सावधानी रखनी पड़ेगी, खर्चा एकदम से आ जाएगा और वो खर्चा काफ़ी बड़ा हो सकता है। होगा घर की सुख सुविधा पर ही खर्च, लेकिन जी तोड़ खर्चा कर सकते हैं, तो संभल कर आपको खर्चा करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु की। धनु के लिए आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है और कहीं से भी आपके पास पैसा आएगा, रुका हुआ धन आएगा, कोई बोनस इत्यादि मिल सकता है, तो इस अवधि में धन के लिए आपकी जो स्थिति है काफ़ी बढ़िया है। अब हम बात करते हैं मकर की। मकर के लिए जो स्थिति है ये भाग्यवर्धक बनेगी, खुशहाल जिंदगी होगी, कोई अच्छा सा समाचार मिल सकता है जो उत्साह को बढ़ाएगा, लेकिन हेल्थ संबंधी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कुंभ वालों को भाग्य वृद्धि होगी, घर में कोई शुभ काम होगा, कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है, लेकिन संभल कर सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर हो सकता है, वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं, खाने पीने में सावधानी रखें, स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। चलने फिरने में, वाहन इत्यादि चलाने में सावधानी रखें, फिसल कर गिरना और फ्रैक्चर इत्यादि का भय दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सावधानीपूर्वक सारे काम करें। अब हम आपको बताते हैं सूर्यदेव को एक नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित मतलब उनको तो कोई नियंत्रित कर ही नहीं सकता, लेकिन अपनी कुंडली के लिए उनको आप फेवरेबल कैसे करें। इसके लिए आप डेली गुड़ गाय को खिलाएं और गुड़ का दान धार्मिक स्थल पर करें, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। गुड़ के अलावा गेहूं का भी आप दान कर सकते हैं, गेहूं का दान करने से भी सूर्यदेव अनुकूल बनते हैं। तो आप एक एक किलो के पैकेट बनवा लीजिए और एक एक किलो या सवा सवा किलो गेहूं दान करिए, जिनके लिए थोड़ी सी मैंने संकट वाली स्थिति बताई है। इसके अलावा सूर्यदेव के नाम का जप करने से, सूर्य कवच का पाठ करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। जिनकी कुंडली में सूर्य ऑलरेडी तुला में है जन्मकालिक, उनको किसी न किसी अपमान का भय हो सकता है, कोई परेशानी उनकी ज़िंदगी में आ सकती है, तो इससे बचने के लिए वो भी बहते हुए पानी में गुड़ बहाएँ, 200 ग्राम गुड़ बहते हुए पानी में बहाएँ, तो इससे उनको राहत मिलेगी। इसके अलावा गेहूं का दान देवें उनको फ़ायदा मिलेगा। रविवार का व्रत करें जिसमें कि नमक और अनाज नहीं खाया जाता है, तो भी आपको लाभ होगा। सूर्यदेव को उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देवें और अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ देवें और मध्यान्ह में भी सूर्यदेव को अर्पित करें, जल अर्पित करें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।